हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनील गंगोत्री। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक न्यू वीडियो में। आपको एक वेबसाइट बताने वाला हूँ जिस पे आपको टाइपिंग वर्क करना है कम्प्लीटली। आप यहाँ पे अच्छी मेहनत कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है तो आप उस पर जो है कि अच्छी इनकम कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड करेगा आपके ऊपर आप कितना वर्क कर पाते हो, कितना आपको उसके ऊपर जो कि टाइम लगता है अर्निंग करने में। ठीक है, आपको उस पर जो है कि सिंपली टाइपिंग वर्क करना है। वेबसाइट में बताने वाला हूँ, वेबसाइट में पेमेंट मेथड बताने वाला हूँ। 3 से 4 पेमेंट मेथड है, वो भी आपको बताऊँगा कि किस तरह आपको अपनी पेमेंट मिलेगी, कितने टाइम में मिलेगी और कितने आर्टिकल पर, कितने टॉपिक लिखने पर आपको कितना डॉलर्स मिलेगा। ठीक है, तो सब कुछ आपको बताते हैं डिटेल में। एंड आपको वीडियो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल सुनील गंगोत्री और प्रेस बेल आइकन बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, माई चैनल सुनील गंगोत्री। सो आज हम बात करने वाले यहाँ पे एक न्यू वेबसाइट की। देखिए, आपको नाम दिख चुका होगा, यहाँ पर नाम लिखा है GoDaddyGarage.com। वेबसाइट का नाम है, जैसे ही आप टाइप करोगे गूगल पे www.GoDaddyGarage.com तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए, वॉट आर यू राइटिंग एंड वेटिंग फॉर डाइव इन टू लिस्ट पेड राइटिंग जॉब्स एंड स्टार्ट गेटिंग पेड फॉर वॉट यू नो हाउ टू बेस्ट राइटिंग वर्क। यहाँ पे GoDaddyGarage.com पे आपको काम किस तरह करना है, किस तरह पेमेंट मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, नीच सेलेक्ट करनी है इसके अंदर। वेब मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट की जो भी सारी चीज़ें होती है, वेबसाइट डिजाइन करना, वेबसाइट के मेन्यू हैशटैग वगैरह क्रिएट करना, उसके अंदर आ जाती है। डिजाइन, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, 3 वेब है इसके अंदर। नीस है, नीस का मतलब होता है यहाँ पे एक टॉपिक, जो ये टॉपिक है वेब का, इसके अंदर डिजाइन, बिजनेस और फ्रीलांसिंग आ गई। इन तीनों पे आपको नीस लिखनी है और यहाँ पे पोस्ट करना है, एक एक चीज़ लिखनी है इनके बारे में। इसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो और पढ़ सकते हो, उसके बाद अपने माइंड के हिसाब से आपको लिखना है, खुद काम करना है, कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। अपने हिसाब से आपको पहले सीखना है चीज़ों को, उसके बाद यहाँ पर काम स्टार्ट करना है। ठीक है, पेमेंट मेथड की बात करूँ यहाँ पे तो अनसर्टिफाइड है यहाँ पे पेमेंट, जो कि आपको 3 से 4 मेथड के अंदर मिल जाएगा। फर्स्ट ऑल ऑफ यहाँ पे पेमेंट आपको पेपल के अंदर मिल सकता है। पेपल जो कि बहुत बड़ी वेबसाइट है, इंटरनेशनल मनी ट्रांजेक्शन वेबसाइट है। नंबर 2 यहाँ पे आपको बैंक ट्रांसफ़र भी मिल जाएगा, बैंक ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हैं। नंबर 3 आप यहाँ पे पियोनीर ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं, पियोनीर भी पेपल अकाउंट की तरह ही काम करता है। ठीक, तो यहाँ पे आगे हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पार्ट टाइम राइटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आप पार्ट टाइम जॉब के लिए ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं राइटिंग जॉब के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास, यू शुड कंसिडर राइट फॉर द गैराज GoDaddy's ब्लॉग फॉर वेब प्रोफेशनल स्मॉल बिजनेस ओनर एंड फ्रीलांसर्स। बहुत सारे फ्रीलांसर इस पर काम कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, आप भी यहाँ पे GoDaddy Garage पर काम कर सकते हैं। ठीक है, एंड योर आर्टिकल कैन बी अबव वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट वर्डप्रेस वर्किंग विद क्लाइंट्स एंड क्रिएटिंग द बिजनेस ग्रोविंग बिजनेस मैनेजिंग बिजनेस एंड अ लॉट मोर। यू विल ऑल्सो गेटिंग बाइंग ऑल साइट कंपोजिशंस फॉर योर आर्टिकल्स। आपका आर्टिकल ही यहाँ पे आपका नीच के ऊपर डिपेंड करेगा कम्प्लीटली, किस तरह आपको जो कि एक टॉपिक को कम्प्लीट किस तरह समझाना है, एक एक चीज जिस टॉपिक में जो भी चीज़ आती है, जो भी टॉपिक आता है, जो भी टाइटल आता है, उसको कम्प्लीटली समझाना है। उसके लिए पहले आपको चीज़ों को सीखना होगा, वो आप गूगल से सीख सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे पेमेंट की बात करें तो पेमेंट स्टार्टेड $100 पर आर्टिकल डिपेंडिंग ऑन ए वेरायटी फोर फैक्टर्स। $100 आपको ये पेमेंट करेंगे एक आर्टिकल का, जिसमें एक नीज होगी और उसमें कितने भी वर्ड्स लिखे जा सकते हैं जब तक वो नीज ख़त्म नहीं हो जाती, उस नीज के टॉपिक टाइटल जो भी है वो ऑप्शंस ख़त्म नहीं हो जाते, आपको लिखना है वो नीज। यहाँ पे 3,000 वर्ड्स की भी हो सकती है, 5,000 वर्ड्स की भी हो सकती है। ठीक है, एंड डिपेंड करते हैं आप उसको किस तरह एक्सप्लेन कर पाते हो लिख कर वेबसाइट पे। आपको उसके बाद क्या करना है देखिए मैं बताता हूँ। उसके बाद आपको वेबसाइट ओपन करना है, मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ GoDaddyGarage.com। सो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ
और यहाँ पे देखिए राइट फॉर द ब्लॉग गोरेडी ब्लॉग्स, ठीक है। यहाँ पे गोरेडी के लिए आपको ब्लॉग लिखना है, गोरेडी गैराज के लिए। और इसमें देखिए काफ़ी बड़े बड़े फ्रीलांसर काम करते हैं और अर्निंग करते हैं। यहाँ पे देखिए पब्लिश द आर्टिकल देन एस्केप्ड योर आर्टिकल देन पेमेंट नाउ। सो ये पूरी डिटेल दे रखी है, ये पूरी डिटेल आपको पढ़नी है। इंग्लिश आपको समझ आती है तो आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश समझ नहीं आती तो आप ये सारा गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से हिंदी करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, वर्किंग विद क्लाइंट्स एसेट्रा, सारी डिटेल आपको समझानी है उस आर्टिकल, उस नीज के अंदर। ओके, सो फ्रीलांसर राइटर्स शुड यू एक्सपेक्ट, तो यहाँ पर ब्लॉग की पूरी डिटेल दे रखी है, गोरेडी गैराज पे किस तरह आर्टिकल लिखना है, किस तरह काम करना है। यहाँ पर जिसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकता है बहुत ही जल्दी, एंड यहाँ पे जिसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो वो भी यहाँ पे अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाकर काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन अप किस तरह करना है। अब यहाँ पे गोरेडी गैराज पे हमें साइन अप करने के लिए ये मेल, ये देखिए ये फॉर्म ओपन हो रखा है, इस फॉर्म को आपको ओपन करके फिल करना होगा, ठीक है। गोरेडी गैराज आप .com डालेंगे, उसके बाद वो ऑप्शन होगा, ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे राइट फॉर द गोरेडी गैराज, ठीक है। यह आपको फॉर्म फिल करना है, सबसे पहले अपना फुल नेम आपको यहाँ पे लिखना है, फुल नेम हम लिख देते हैं, उसके बाद क्यूक बायो, ओके आपको बायो यहाँ पे लिखना है, आई एम सुनील कुमार, एंड जो भी आपकी बायो अपने हिसाब से आपको लिख देना है, आई एम ए फ्रीलांसर, वर्कर, ओके। एंड उसके उसके बाद भी आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई भी इंफॉर्मेशन लिखना चाहो बायो के अंदर वो भी लिख सकते हो, मैं आपको फॉर एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको ईमेल एड्रेस टाइप करना है, ईमेल एड्रेस बहुत ही मेन चीज़ है, इसकी आप बात ध्यान से सुन लीजिए, जो लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं उनको बात समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेल एड्रेस आपको वही टाइप करना है जो अभी आप करंट में यूज करते हो, उस मेल आईडी से आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है वो, अपना पेपल अकाउंट लिंक है, पियोनियर अकाउंट लिंक है, बैंक अकाउंट में वो मेल है या नंबर है जो कनेक्ट होना चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से आपका मेल आईडी पेपल अकाउंट से कनेक्ट होगा तो आपका पेमेंट लेते टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एंड आपको उसके बाद ये सारी डिटेल भर लेनी है, ट्विटर URL, लिंक्डइन URL, देन नेक्स्ट करना है, थ्री स्टेप आपको कंप्लीट करनी है। थ्री स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको मेल आएगा godaddygaraj.com की तरफ से, उस पर आपको क्लिक करना है, कन्फर्म करना है, वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको इसमें काम स्टार्ट करना है, ठीक है। सारा का सारा टॉपिक सेलेक्ट हो रखा है ऑटोमेटिक, वेब डिजाइन बिजनेस एंड फ्रीलांसिंग तीनों के ऊपर आपको काम करना है एक नीश के रूप में, वो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं और भी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वीडियो कंप्लीट समझ आ गया होगा, वीडियो समझ नहीं आया तो आप दोबारा देखें और समझें, क्योंकि एक बार के अंदर कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती तो आप दोबारा वीडियो देखें और समझें। उसके बाद वेबसाइट पे जैसे मैंने बताया है आपको पूरी डिटेल पढ़नी है, समझना है और सीखना है, उसके बाद काम स्टार्ट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आपको वीडियो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल सुनील गंगोत्री, और आपको कुछ क्वेश्चन हो क्वेरीज हो तो आप इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सुनील टेक्निकल के नाम से, ठीक है।